नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों के साथ। दुर्गा पूजा नवयुवक समिति महादेव तालाब के द्वारा लगभग 125 वर्षों से यहां पर माघ प्रतिमा स्थापित कर पूजा मनाई जाती है। पूजा के समाप्ति के दौरान यहां भव्य भंडारे का आयोजन के बाद जाति में भक्ति जागरण कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जिसमें गिरिडीह और बंगाल के कलाकारों के द्वारा जागरण किया गया। इस जागरण का शुभारंभ सदर विधायक सुदीव्या कुमार सोनू, आजसू जिलाध्यक्ष गुड्डू यादव, पूजा समिति के अशोक यादव ने दीप प्रज्वलित कर किया। रात भर लोगों भक्ति जागरण में डूबे रहे। बाहर से आए कलाकारों ने अपने गीत संगीत से सभी का मन मोह लिया। ये कार्यक्रम हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी दुर्गा पूजा नवयुवक समिति के द्वारा किया गया। काफी संख्या में आसपास के लोग भक्ति जागरण में शरीक हुए। देखिए झारखंड गिरिडीह से अजय चौरसिया की रिपोर्ट। संघ समिति बाजार महादेव तालाब के द्वारा प्रत्येक वर्ष यहाँ भंडारे का आयोजन किया जाता है और रात्रि में भव्य जागरण का आयोजन किया जाता है। सभी भक्त जन यहाँ आकर प्रसाद ग्रहण करते हैं और माता का जागरण का, माता की भक्ति का आशीर्वाद लेते हैं। सभी भक्त जनों को माता रानी की कृपा से, मैं ईश्वर से, माता रानी से ये कामना करता हूँ कि उनका भविष्य उज्जवल हो और हर स्वर्ष दिन दोगुनी रात चौगुनी वो तरक्की करें। संघ समिति की तरफ से दशहरे की पूर्णाहुति के स्वरूप माता रानी का भक्ति जागरण आयोजित किया गया है। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं पूरी कमेटी के, इस मोहल्ले के तमाम लोगों के लिए। माँ भगवती की असीम कृपा सब पर बरसती रहे और आने वाले वर्ष और इससे बेहतर कार्यक्रम आयोजित हो सके, इन्हें शुभकामनाएं। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, फिर हाजिर होंगे ऐसे ही कुछ बड़ी खबरों के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।